नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल द रेल नॉलेज में। दोस्तों, आज हम जिस ट्रेन की जानकारी लेकर आए हैं वो है मुंबई के दादर से चलकर चेन्नई तक जाने वाली चेन्नई एक्सप्रेस की। इस ट्रेन की दोस्तों आज हम पूरी जानकारी आप सबके साथ में शेयर करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें इस बेल बटन को, ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। मुंबई के दादर सेंट्रल से खुलकर चेन्नई एक मोड़ तक जाने वाली चेन्नई एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12163। इस ट्रेन की दोस्तों पहली यात्रा 26 अप्रैल 1988 से शुरू हुई थी। यह ट्रेन दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई दादर से खुलकर कर्नाटका आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हुई तमिलनाडु के चेन्नई एगमोर तक जाती है। इस ट्रेन के अगर हम ट्रेवल टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन दादर से चेन्नई एगमोर के डिस्टेंस 1280 किलोमीटर की जर्नी को कवर करती है लगभग 23 घंटे और 15 मिनट में। इस ट्रेन की परमिशेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर पर आवर्स की और इसकी एवरेज स्पीड रहती है करीबन 55 किलोमीटर पर आवर्स के आसपास की। इस ट्रेन को ऑपरेट करती है मध्य रेलवे जोन और यह ट्रेन रोजाना चलने वाली एक डेली ट्रेन है जो हर दिन मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और पुणे सोलापुर जैसे स्टेशनों पर ठहरती हुई चेन्नई एगमोर में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के 24 स्टेशन रहते हैं और यह एक सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है। चेन्नई एक्सप्रेस के दोस्तों अगर हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में ICF श्रेणी के 18 कोच लगते हैं, जिसमें फर्स्ट एसी, एसी टू टायर, एसी थ्री टायर, स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। और अगर हम बात करें इन सभी क्लास के कोचेस के किराए की तो दोस्तों इस ट्रेन में एक सिंगल कोच फर्स्ट एसी कम सेकेंड एसी का लगता है, जिसका दादर से चेन्नई तक का किराया रहता है 3,775 रुपये। एसी टू टायर का इसमें एक कोच लगता है जिसका किराया रहता है 2,015 रुपये। एसी थ्री टायर के इसमें तीन कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 1,565 रुपये। इन तीनों कैटेगरी के किराए में दोस्तों GST, रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और बेस्ट फेयर चार्जेस शामिल रहता है। स्लीपर क्लास के इसमें 8 कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 540 रुपये। इसमें GST तो नहीं लगता, परंतु बाकी सभी चार्जेस शामिल रहते हैं। और सामान्य क्लास के इसमें 2 कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 320 रुपये के आसपास का। यह किराया दोस्तों दादर से चेन्नई एगमोर तक का बताया गया है और यह एक एडल्ट कैटेगरी का किराया बताया गया है, जिसमें समय के साथ परिवर्तन भी हो सकता है, इसलिए यात्रा करने से पहले इसे आप रेलवे की वेबसाइट या रेलवे के टिकट काउंटर से चेक अवश्य कर लें। इस ट्रेन में आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों, केटरिंग संबंधित सुविधाओं में आपको इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच मिलेगा जो आपको ट्रेन के अंदर ही भोजन संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान करता है, परंतु पेंट्री कार के भोजन का अलग से चार्ज भी देना होता है। इसके अलावा इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की भी सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन को पूरी यात्रा में भुसावल लोको शेड का WAP-4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है, परंतु पुणे से वाड़ी जंक्शन के बीच इसे पुणे लोको शेड का WDM-3A या WDZ-4 या फिर कल्याण लोको शेड का WDP-4 डीजल इंजन पुल करता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे चेन्नई एक्सप्रेस के सभी स्टेशनों को और उनके टाइम टेबल को हम विस्तार से देख लेते हैं। यह ट्रेन दोस्तों रोजाना रात 8:30 पर मुंबई के दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना होती है। और दोस्तों दादर रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है कल्याण जंक्शन। रात के 9:07 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 3 मिनट ठहरने के बाद रात के 9:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है लोनावला रात के 10:37 पर और 10:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है पुणे जंक्शन रात के 12:05 पर और 12:10 पर यह ट्रेन पुणे जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। पुणे में दोस्तों इस ट्रेन में एक डीजल इंजन अटैच होता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सोलापुर सुबह के 4 बजे और 4:05 पर यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। सोलापुर तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 440 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कर्नाटका के कलबुर्गी जंक्शन में
सुबह के 6:07 पर और 6:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है शाहबाद सुबह के 6:34 पर और 6:35 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है वाडी जंक्शन सुबह के 7:05 पर और 7:10 पर यह ट्रेन वाडी जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। वाडी जंक्शन में दोस्तों इस ट्रेन का डीजल इंजन डी अटैच होता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है यादगिर सुबह के 7:39 पर और 7:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है सेदापुर सुबह के 7:54 पर और 7:55 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रायचूर जंक्शन सुबह के 8:48 पर और 8:50 पर यह ट्रेन रायचूर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है आंध्र प्रदेश के मंत्रालयम रोड में सुबह के 9:14 पर और 9:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है आडोनी सुबह के 9:49 पर और 9:50 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गुंतकल जंक्शन सुबह के 11:00 और 11:10 पर यह ट्रेन गुंतकल जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 822 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गुटी जंक्शन सुबह के 11:34 पर और 11:35 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है ताड़ी पत्री दोपहर के 12:14 पर और 12:15 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है यरंग गुंटला जंक्शन दोपहर के 1:18 पर और 1:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है कड़पा जंक्शन दोपहर के 1:58 पर और दोपहर के 2 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है राजमपेटा दोपहर के 2:59 पर और दोपहर के 3 बजे यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कोडूरू दोपहर के 3:28 पर और 3:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है रेणी गुंटा जंक्शन। शाम के 4:35 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद शाम के 4:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1132 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है तमिलनाडु के अरकोणम जंक्शन में शाम के 5:48 पर और 5:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पेरम्बूर शाम के 6:38 पर और 6:40 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है चेन्नई एगमोर। शाम के 7:45 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1280 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। दोस्तों यह ट्रेन 22/153/54 चेन्नई एगमोर से सेलम तक चलने वाली ट्रेन के रेक भी अपने साथ शेयरिंग करती है। तो दोस्तों ये थी दादर से चेन्नई एगमोर तक चलने वाली चेन्नई एक्सप्रेस की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।